काल में भगवान सत्यनारायण की कथा के बारे में बताया जाता है की गई। अब प्राचीन काल में नैमिषारण्य तीर्थ 88,000 ऋषि बैठे की जो कलयुग में मृत्यु लोक में यहाँ जो आया है उसको जाना है, लेकिन क्या करके जाएगा क्या और भगवान से उसने क्या एग्रीमेंट करके आया। बालक गर्भ में होता है प्राणी तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं इस गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर कर दीजिए। क्या करेगा बाहर जाकर के तो बोलता है तप आपकी पूजा। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि माँ को ज्यादा कष्ट भी नहीं दे सकते क्योंकि सुखदेव जी महाराज जो हैं अमर हो गए थे लेकिन उन्होंने अपने माँ के घर में 12 वर्ष तक लुके रहे प्रविष्ट हो गए और सोचा कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो नारायण की जो माया है मुझे पकड़ लेगी और मुझे संसार से कोई मतलब है नहीं। लेकिन जब माँ को सोचे कि भाई जब 9 महीने एक माँ जो है बालक को गर्भ में पालते समय उसको कितनी वेदनाएं होती हैं तो मेरी माँ तो जो है 12 वर्ष से मुझे जो है गर्भ में धारण की उसको कितनी वेदनाएं, तो भगवान को निकलना पड़ा वहां। तो इसी तरह बालक भगवान से जब प्रार्थना करता है यानी जब हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम परमात्मा से क्या एग्रीमेंट करके लाए, हम क्या हैं, मैं क्यों कौन हूं, जब मनुष्य ये चीज को समझ जाता है तो समझो कि वही भगवान का दर्जा उस व्यक्ति को दिया जाता है। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं कि सतयुग गया, द्वापर गया, त्रेता गया और यह है कलयुग है। इसको कलयुग भी बोलते हैं, अमृत लोग ही बोलते हैं। यहां जो आदमी जन्म लिया है उसको निश्चित है मरना। हाँ, हम अच्छा जब काम करते हैं तो आपको बताया कि हमको दक्षिण द्वार से नहीं जाना पड़ता भक्त आदमी। 88,000 ऋषि यही सोच रहे उसी समय पौराणिक सूत जी महाराज आते। पौराणिक सूत जी कौन है? ज्ञानी ऋषि, इनको 4 वेद 6-7-18 पुराण का ज्ञान है। सारे ऋषि होकर के और प्रणाम किए, कहा गुरुदेव आप आ गए हैं, इससे अवश्य हमारे समस्या का समाधान हो जाए। सूत जी महाराज ने उनका सारा चीज बातों को सुना और कहा कि आप स्नान ध्यान आदि करके नित्य पंक्ति बाई बैठ जाइए। मैं आपको वह कथा कहता हूं जो एक बार नारद जी से भगवान नारायण स्वयं विष्णु ने कहा। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं तो नारद उसमें से सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि नारद का काम है जोड़ना और एक नारद का काम है तोड़ना। तो वह नारद जी कैसे जोड़ते थे? नारद जी अनेक लोकों में गए। आपको मैं बताऊं कि पाताल लोक में 7 लोक और आकाश में 7 लोक हैं। लोक है सबसे ऊपर है सत्यलोक का नाम परिभाग है, जहां नारायण जहां सत्यलोक है वो सबसे ऊपर है और ये बीच का ये मृत्यु लोक। नारद जी हर जगह गए लेकिन जब मृत्यु लोक में आए तो वो क्या देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ का जो मनुष्य है आडंबरी है, उसके अंदर भगवान के प्रति कोई स्वार्थ नहीं। कहते हैं कि हमको धन मिल जाए क्या करना है, उसके वैल्यू क्या है। जैसे डॉक्टर जो होता है उसको ये दया नहीं लगती कि मरीज कहाँ से काटूं, वो फट काट के सी देगा क्योंकि उसका रोज का काम। और हम देखेंगे डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे, हमारा माँ है या हमारा भाई है उसको इतना तेज से आप काट दिए, नहीं ऐसा होता है। लेकिन मनुष्य जो है ये नहीं समझ पाता है कि नारायण नारद जी नहीं समझ पाए कि ये मृत्यु लोक की प्राणियों को हो क्या गया है, ये भगवान से दूर भाग रहे हैं और इनके दुख का कारण यही है कि जो परमात्मा से इनका लगाव नहीं। आपने कर्मों ही द्वारा स्वयं फंसे हुए हैं, तब नारद जी से नहीं रहा। नारद जी सोचते हैं जो संत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, श्रद्धावान व्यक्ति होते हैं, वो क्या सोचते हैं, किसी गरीब का जो है दुखी आदमी को देख करके और वह क्या करते हैं,
उसका सुख की कामना करने लगते हैं। नारद जी भी भगवान का नाम स्मरण करते हुए कहां चले गए? वैकुंठ। भगवान विष्णु ने जब नारद जी को देखा तो आसन दिए और कहा कि हे नारद, आपका आगमन वैकुंठ लोक में कैसे हो? नारद जी कहते, प्रभु आप को तो मैं मन हूं, आप जहां इशारा कर देते वहीं मैं पहुंच जाता हूं, और आप प्रभु मेरे से पूछ रहे हो, आप तो सब जानते हैं, आप कहां नहीं, आदि मंद अंत आपका नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप के शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित है, वैजयंती की माला धारण किए हैं, और आप प्रभु मेरे से पूछ रहे हैं। लेकिन जब फरियादी किसी के पास जाता है, भाई नारायण तो नारद जी के देव है, स्वामी है, भगवान ने आसन दिया और कहा कि हे नारद, आपका आगमन कैसे हुआ मुझसे कहिए। तब नारद जी ने सारा वृतांत को बताया कि प्रभु ऐसा ऐसा है। तब नारद जी उसी समय कहते, भगवान नारायण कहते हैं कि मैं दूसरा रूप से सत्यनारायण के नाम से जाना जाऊंगा, जो व्यक्ति मेरी पूजा करेगा, मेरा व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा, और जो दारिद्रता उसके घर में है तो दारिद्र दुख सब दूर हो जाएगा। तब नारद जी ने कहा कि इस व्रत को कब करना चाहिए और इसकी पूजा सामग्री क्या है और इस व्रत को सबसे पहले किया कौन? तो भगवान ने कहा कि यस्मिन कस्मिन दिने व्रते श्रद्धा शक्ति समन्वित। हे नारद, इस व्रत को आप कभी भी कर सकते, इसमें मुहूर्त की जरूरत नहीं। अब फल इसका सामग्री क्या है? तो धूप दीप नैवेद्य तुलसी आदि से केले के खम्भे रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम पंजीरी का आप सिरप बना लगे, केले के खम्भे धूप दीप से आप हमारी पूजा करें। अच्छा, इससे मिलता क्या है? तो धनहीन को धन, संतानहीन को संतान, कोर्ट कचहरी में केस चलता उसमें विजय प्राप्त। अच्छा, इस सबसे पहले किया कौन? तो सदानंद नामक के ब्राह्मण ने इस व्रत को किया। हे नारद, इससे छोटा और कोई उपाय नहीं। बोले स्कंद पुराणे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों में आपको दूसरे अध्याय की कथा के, दूसरे अध्याय की कथा में है कि काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण, बहुत लोग दालिद्र बोल देते हैं कथाओं में, लेकिन दालिद्र नहीं है, खाली उनके पास धन नहीं है, वेद पाठी है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं और चरणामृत लेके ही भिक्षा मांगने जाते हैं, लेकिन वह ब्राह्मण के पास धन नहीं, दिन भर मांगते हैं तो दिया भर और रात भर मांगते हैं। एक दिन वह ब्राह्मण दुखी हुआ कि हे भगवान, हे प्रभु, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म का मुझे मालूम नहीं है, जो आज मुझे धन से वंचित किए, मैं आपका पूजन, वेद मंत्र का पाठ, सारे शास्त्रों का अध्ययन करता हूं, लेकिन मैं धन के विहीन हूं और व्याकुल घूमता रहता हूं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? जब ब्राह्मण ने आपने पापों का प्रायश्चित कर लिया कि मैंने पूर्व जन्म का मुझे मालूम नहीं, तो सत्यनारायण भगवान ने ऐसी पुकार सुनकर के उस ब्राह्मण के ऊपर तत्परता दिखाई और जिस रास्ते से वो भिक्षा के लिए जा रहे हैं, भगवान ने सत्यनारायण भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का भी रूप धारण करके ठीक उसी रास्ते से आ रहे, दोनों की आपस में मुलाकात हुई, जो भगवान रूपी ब्राह्मण उन्होंने नमस्कार, आप कहाँ जा रहे हैं? अब बेचारे दुखी आदमी बताने लगे आपने, बोले आप ऐसा करें कि आप भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, इससे अवश्य आपका दारिद्र दूर और अंतर ध्यान हो गए। ज्ञानी व्यक्ति को थोड़ा सा ही बताने में सारा चीज समझ जाता, तब वो सोचे कि ये तो लगता है कोई दैवी गति है जो ब्राह्मण आए और हमको ऐसा बोले, इसलिए उन्होंने कहा कि आज मैं संकल्प किया भिक्षा में अनाज पैसे जो भी पाऊंगा उसको इकट्ठा करके भगवान की पूजा सामग्री ला करके और भगवान सत्यनारायण की मैं पूजन
पूजन सामग्री ले आए और रात में आने के बाद में रात्रि में अल्पाहार भोजन किया। अब आजकल उल्टा है, कल व्रत रहना है तो आज रात को खूब खा लो, सकारे उठोगे तो फिर ज्यादा भूख लगेगी नहीं, और जो एक दिन पहले प्रैक्टिस कर लेता है उसको ज्यादा भूख नहीं लगती। ब्राह्मण ने भी उसी तरह की प्रातः काल होते हुए और अपने इष्ट बांधवों के साथ अपने सह परिवार के सहित बुला करके भगवान सत्यनारायण सत्यदेव की पूजन करने के बाद में उन्होंने क्षमा प्रार्थना की, हे प्रभु आवाहनम न जानामी न जानामी तवर्चनम पूजा चैव न जानामी क्षमताम परमेश्वर। हे प्रभु, हे भगवान सत्यनारायण, मैं आपका पूजन किया, मैं आपका बालक दास, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती से क्षमा कर। तो भगवान देखिए कभी भी किसी को दुख नहीं देता, कोई भले भगवान के ऊपर रोग प्रत्यारोप लगाए लेकिन हमारे कर्म ही हमें दुख देते। भगवान इतना ब्राह्मण इतना प्रार्थना करने के बाद में पूजन समापन किया और आरती भगवान का किया, पूजन समापन करके प्रसाद आदि लिए और लेने के बाद में ब्राह्मण भगवान का ही स्मरण करने लगे ज्यादातर। तो ऐसी माया हुई कि जहां मांगने जाते थे, जहां जजमानी करने जाते थे, वो लोग घर में ही आने लगे। ब्राह्मण धीरे धीरे संपन्न हो, जहां झोपड़ी थी वहां महल हो गया, ब्राह्मण का हाव भाव ही सब चेंज हो गया, भिक्षा मांगना उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन उनका एक मित्र था लकड़हारा, जो वो भी जंगल जाता था लकड़ी काट करके लाता था, जब काफी दिन ब्राह्मण को नहीं देखा तो सोचा पता नहीं है कि नहीं, बूढ़े तो थे कहीं ऊपर तो नहीं चले गए, उनके गांव आया, गांव वाले से पूछा जो ब्राह्मण भिक्षा मांगते थे वो उनका घर कहाँ है। बोले तुम महल जो देख रहे हो नहीं, तो लकड़हारा चंभा हो गया, तो भाई इतना गरीब ब्राह्मण कैसे धनवान हो गया। आपने सिर से बाहर लकड़ी रख करके ब्राह्मण के अंदर घर के अंदर जाते हैं और ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण की पूजन करते हैं। लकड़हारा शांति से बैठ गया। पूजा होने के बाद में ब्राह्मण को नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप किसकी पूजा कर रहे हैं और ये सब कैसे हो गया। तो ब्राह्मण धनवान होते भी आदर से बोले, मेरे मित्र लकड़हारा, ये भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। तो कह जब इतना सुना तो बोला कि कैसे, ब्राह्मण सब बताते हैं। लकड़हारा प्रसाद को खाया, आज भी उसकी मनोवृत्ति चेंज हो गई। प्रसाद खाने के बाद में जैसे गट्ठर लकड़ी सिर पे रखा तो भगवान का नाम आने लगा, ओम नारायण नारायण करते करते कर आज ऐसे नगर में पहुंच गया जहां कल मोल भाव करते थे लकड़ी का कि इतना, उसका चौगुना लोग धन देने लगे। पूजन सामग्री खरीद करके और विधि पूर्वक उसने अपना पूजन किया, जब तक इस मृत लोक में रहा तब सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को गया। बोले स्कंद पुराणे श्री सत्यनारायण वृत कथायाम द्वितीय अध्याय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की। बरहा पेरम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकाराम बिभ्रदवासा कनक कपिसा वैजयन्ते चमाला रंधान वेणुधर सुधया पूरयन् गोपी वृंदे वृंदावरणम स्वपद रमणा प्राविशत कीर्ति। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं आपको तीसरे अध्याय की कथा कहता हूं। तीसरे अध्याय की कथा में है महाराज की तुंगध्वन नाम के उल्कामुख नामक के जो राजा हैं, वह राजा कैसे जितेंद्रीय भगवान की डेली पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं और गरीबों को दान देते हैं और आपने प्रजा को आपने पुत्र जैसे पालने वाले राजा तत्पर। लेकिन वह राजा के पास धन संपदा तो बहुत है लेकिन कोई संतान नहीं। राजा ज्ञानी है,
इसलिए आपने पत्नी के सहित भद्राशिला नदी के तट पर जाकर के भगवान सत्यनारायण का पूजन आरंभ किया। पूजन करें उसी समय एक साधु बनिया नामक का व्यक्ति व्यापारी आया और आकर के राजा को नमस्कार किया और कहा कि हे राजन, आप भक्ति और चिंता से क्या कर रहे हैं, इससे क्या फल मिलता है। राजा कहते हैं कि हे साधु बनिया, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण का मैं पूजन कर रहा हूं। साधु बनिया के पास कोई संतान नहीं है, ठहर गया, इंटरेस्ट हो गया उसे, कैसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। राजा ने सब चीज बताते हैं, साधु बनिया प्रसाद लिया और भगवान का नाम स्मरण करता हुआ अपने घर में पहुंचा। पहुंचने के बाद में अपने पत्नी से कहता है कि मैं एक बहुत अच्छा समाचार लेकर के आया। बोलती बताओ। कुछ देर बाद बताता है तो लीलावती कहती है कि भाई, जब ऐसी बात है कि सत्यनारायण के भगवान की पूजा करने से हमें संतान की प्राप्ति होगी तो कर लो। बोलता है नहीं, जब कोई संतान होगी तभी कर लो, लेकिन भगवान की कृपा से दसवें महीने कन्या का जन्म हुआ। बड़े धूमधाम से उसने अपने कन्या का नामकरण संस्कार किया, जिसका नाम कलावती। तब भी पत्नी कहती कि अब तो कर लो, संतान हो। बोलता नहीं, इसके नामकरण संस्कार में बहुत सा खर्च हो गया है, इसलिए हम इसके विवाह पे करेंगे। पत्नी कुछ नहीं बोली। साधु बन ये सोचा कि नामकरण संस्कार में बहुत सा खर्च हो गया धन, इसलिए मैं जल्दी कमा के व्यापार करने के लिए चला गया। जब कुछ दिन बाद आया घर तो देखा तो कन्या तो विवाह की योग, क्योंकि माया रूपी कन्या है, नारायण की प्रसाद है सत्यनारायण देव। आपने दूतों को भेजा और कंचनपुर नगर से सुयोग वाणी पुत्र ला करके अपनी कन्या का विवाह, लेकिन विवाह करते समय व्रत करना। भगवान सोचे मेरे ऐसे भक्त होंगे तो क्या होगा मेरा, इसलिए इसको दारुण दुख दूंगा। दारुण का मतलब होता है बहुत। अब बहुत कैसे भगवान दुख दे दिए, कोई समझ नहीं पाया। बनिए सोचा कि विवाह में भी बहुत खर्च हो गया, इसलिए अब मेरे जमाई है इसी को लड़का बना लिया और चंद्र केतु के राज्य में व्यापार करने के लिए चले। लेकिन जब वहां गए तो उन्होंने चोरी तो नहीं की, लेकिन माया रूपी भगवान ने प्रकट कर दिया चोरों को। चंद्र केतु राजा के ऐसा हुआ कि भाई धन चोर लेकर के भाग रहे मेरा, इसलिए चोर जो है इन्हीं के पास फेंक दिया धन को और ये झूठे एग्जाम में फंस गए। और घर में जो धन है, जो घर में धन रखा है माँ बेटी घर में, वो धीरे धीरे धन खत्म। अब यहां समझने वाली बात है कि लक्ष्मी के चार पुत्र हैं, जिसमें चोर का भी नंबर है, समझ में कैसा। तो धर्म, अग्नि, नृप, चोर, जेठे के अपमान से करें सवे घर फोड़। जेठों से जिसका धर्म में एक रुपये नहीं लगता है, यानी साधु बनिया ने आपने स्वार्थ पूर्ति अपना काम किया, धर्म में एक रुपये नहीं लगा, अगर इससे भी बच गए तो अग्नि जो है परिवार में कितना भी पैसा आने दो, लेकिन वह पैसा टिकेगा नहीं और लोगों की जो मति है ना वो भ्रांति यानी इधर उधर रहेगी और किसी का नहीं जमेगा। अगर इससे भी बच गए तो बैंक में रखोगे तो राजा कर लेंगे, और अगर इससे भी बच गए तो चोर जो है, चोर ऐसा नहीं पाकिट हजार दो हजार नहीं चोरी करेगा, कोई ऐसा मित्र मिल जाएगा, चलो अपन बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, करोड़ों लाखों का बिजनेस करते हैं और चलो जो है और आपको उसके बातों में आप करके आप कर्ज भी ले सकते हैं, घर भी बेच सकते हैं और आपका पैसा दाम लिया सीताराम। इसलिए हमेशा सत्संग ही एक माध्यम है कि सत्संग करो और अच्छे विचार। भगवान कहते हैं कि आपने से श्रेष्ठ आदमी का संगत करो, श्रेष्ठ आदमी के साथ रहो और उससे विचार विमर्श करो। घर में सबसे श्रेष्ठ माँ हो। माँ आपने बच्चे को कभी पतन होते नहीं देश, ऐसे परमात्मा भी है। लेकिन अब बच्चा मान लीजिए गड़बड़ी करता है तो माँ कहाँ तक विचार उठा, ऐसे परमात्मा है। साधु बनिया ने आपने स्वार्थ पूर्ति सब भगवान से मनौती तो मांग ली, भगवान ने दे भी दिया, लेकिन पूजा नहीं कर रहा। कहते हैं कि भगवान के डंडे में आवाज नहीं होती, कब मार दिए किधर सब चला गया। इसलिए हमेशा व्यक्ति को डर करके सब करना चाहिए, जिसके अंदर डर नहीं है परमात्मा का वो तो उसको तो कुछ वो कुछ भी करेगा और फिर फंस जाएगा। इसलिए हमें
गौ ब्राह्मणिता है, मतलब गाय ब्राह्मणों से सबका सम्मान और सबसे डर करके हमें चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तो हमको लगता है कुछ नहीं है। तो जो कबीर जी लिखते हैं कि अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारेगा, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकालेगा। यह भगवान ने हमें किराए में दिया, शरीर किसने दिया, किराए में, 60 साल जी ले, 70 साल जी ले और नहीं तू जाएगा, और जिस दिन में निकालेगा ना बेटा कोई तेरा साथ देने वाला, ये शमशान में चढ़ाएंगे तो जो 5 फुट का वो चढ़ाते हैं चादर उसको भी खींच लेंगे, तेरे साथ गया क्या। सोना चांदी व्यक्ति बहुत बनाता है और अगर मर गया तो सोचा अरे निकाल लो, नहीं कहीं अम्मा ये, जो अम्मा या कोई भी व्यक्ति ये सोना में न बैठ जाए भूत में, सब उतार लो फटाफट, उसको नीचे रख दो, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए तुलसी बाबा ने क्या कर दिया, चित जल पावक गगन समीरा, पंचर चित अधम शरीरा, इस शरीर को अधम कहा है पतित। और शंकराचार्य तो एकदम बहुत बहुत वो कर दिए, मत समापात की नास्ती पापक नित्य क्षमा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्य तथा, जबकि भगवान शिव की अवतार है। माँ से कहते हैं माँ मैं तो इतना पतित हूँ, तो उसको जो योग लगे वो तुम बताओ करो। तो साधु बनिया ने क्या कहा, पहुंच गया चंद्रकेतु राजा के राज्य में, जन्म कारावास में डाला। माँ बेट जो नगर सेठ है, जो नगर सेठ है उसकी बेटी और बेटी और पत्नी घर घर भिक्षा मांगे, लेकिन एक दिन एक ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण का व्रत हो रहा था, कलावती वहां चली जा रहा था, जाकर के और पूजा को सुना, थोड़ी रात्रि होने लगती है, माँ सोचती है कि क्या बताऊं मेरी बेटी अभी तक नहीं आई क्या करूं, उसी समय प्रसाद लेकर के आ गई। माँ डांटने लगी, बोली माँ मैं भगवान सत्यनारायण का पूजा सुन करके आ रही हूँ और प्रसाद भी लेकर। जब माँ बेटी उस प्रसाद को खाते हैं तो लीलावती को ऐसा आभास होता है कि मैंने भगवान सत्यनारायण का पूजन नहीं किया, इसलिए हमारे घर में दारिद्रता फैली है, हमारे पति और जमाई भी नहीं है, इसलिए प्रातःकाल होते हैं उनके पास जो सामग्री था उसमें पूजन किया, भगवान से क्षमा प्रार्थना की। इससे सुमत्याच नामोक्त्या तपो क्रियादिशो नीनम संपूर्णतामयाते सद्यो वंदे समर्पितम्। हे नारायण, हे सत्यनारायण महाराज, हमें क्षमा करें, हमारे पति जमाई जहाँ है और शिव घर आ जाए। भगवान ने इतना ही पुकार सुन करके और चंद्र केतु राजा को स्वप्न देते हैं कि जो तुम चोर समझ करके दो वैश्यों को जन्म कारावास में डाले हो उसका चौगुना धन दे देना, में तुम्हारा राजपाट सब कुछ है। राजा अपने मंत्रियों को प्रातः काल सुनाते सभा में, जिसके मंत्री अच्छे होते हैं वह राजा बहुत दिन तक राज्य, और जिसके मंत्री अच्छे नहीं होते हैं वो राजा चौपट हो जाता है। मंत्री अच्छे थे, राजा कहा आपने जितना धन लिया उसका उतना चौगुना धन दे दो, राजा ने चौगुना साधु बनिया का धन दिया और मीठे मीठे शब्दों से उसको स्वागत किया, मंगलाचरण करके वस्त्र भूषण आदि दे करके और विदा कर दिया। बोले स्कंद पुराण श्री सत्यनारायण मृतधाया तृतीय अध्याय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। प्रविश मम वाच मिमां प्रसूक्ता संजीव यत्न किल साक्ति धरा सुधाम्ना अन्नस्तहस्त चरणा श्रविणातु गादेन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुत जी महाराज कहते हैं ऋषियों मैं आपको चौथे अध्याय की कथा कहता हूँ। राजा ने जब चौगुना धन दिया, चौगुना धन देने के बाद साधु बनिया को जब विदा कर दिया तो सोचा, भगवान ने सोचा कि इसकी पुनः परीक्षा ले लो, क्यों अगर किसी को ज्यादा अचानक धन मिल जाए तो वह व्यक्ति क्या अभिमान तो नहीं है इसके अंदर,
तो साधु बनिया क्या किया, चल दिया प्रसन्न पूर्वक घर की ओर। लेकिन जिस नदी को पार करना था उस नदी के किनारे भगवान महात्मा का रूप धारण करके घूमने लगे। साधु बनिया की नजर गई कि कोई महात्मा घूम रहा है, कहीं मेरे से धन मांग ले। क्या किया, धीरे धीरे चलने लगा। भगवान सोचे कि बेटा जब तक तू इधर आएगा नहीं तब तक मैं इधर से जाने वाला नहीं। रात्रि होने लगी तो सोचा कि अभी तो इतने दिन जेल में था, कहीं चोर आएंगे धन को मार पीट करके ले जाएं, क्या करूं। चलने की गति बढ़ाया, जैसे नदी के किनारे पहुंचा तो भगवान रूपी जो ब्राह्मण थे उन्होंने साधु बनिया को नमस्कार किया और कहा कि आपका नाम क्या है और झोले बक्से में क्या है। बड़ा अभिमान से बोलता है, मेरा नाम क्यों पूछते हो, मेरे धन लेने की इच्छा है। और पूछ ही रहे हो तो लता पात्र इसमें क्या है, मिर्च मसाला जो किचन में। भगवान ने कहा तथास्तु, आप जैसे कहते उसी तरह। भगवान अंतर ध्यान होकर के नदी को उस पार पहुंच गए। साधु बनिया सोचा अच्छा हुआ बाबा को एक रुपए देना नहीं पड़ा, जल्दी जल्दी धन को रखा, नौका मिचाया। जब बीच नौका नदी में गई डगमगाने लगी, खोल के देखा हीरे जवाहर की जगह में वही कढ़ी पत्ता मिर्च मसाला हो गए, मूर्छा होकर गिर पड़ा। लेकिन जो जमाई था समझदार, बोला पिताजी हमने किसी सन्यासी से झूठ बोला है इसलिए हमारा धन ऐसा हो गया, अगर हम उनके शरण में जाएंगे तो हमारा धन हमको प्राप्त होगा। नौका को पार लगा करके भगवान तो पद्मासन में बैठे हुए हैं, साधु बनिया देखा तो साष्टांग नमस्कार के लेट गया। भगवान ने बहुत तेज से डांटा, हे मूर्ख तो बार बार अपनी गलती से फंस जाता है, भला मैं क्या करूं। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला प्रभु आपकी माया तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते हैं, मैं एक पापी मनुष्य आपसे झूठ बोल दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा इसने बहुत कष्ट पाया। इतना ही प्रार्थना करने से भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होकर के और उसको कहा कि जैसा तुम्हारा धन था उसी तरह तुम्हें धन प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने ध्यान हो गए, साधु बनिया अपने घर की ओर चल दी। घर के निकट पहुंचा, अपने मंत्रियों को कहा जाओ हमारे घर में संदेश दे देना। माँ बेटी पूजन कर रही थी भगवान सत्यदेव की, जब ऐसा समाचार सुनती है तो लीलावती कहती है कि बेटी तुम पूजा को पूर्ण करके आना, मैं तुम्हारे पिताजी को लेवाने जाती हूँ। कलावती पूजन तो किया लेकिन प्रसाद नहीं खाई, वो भी अपने पति की लालसा रोकने से नदी के किनारे गई। जब उसका पति उसे नहीं मिला, भगवान ने आदर्श कर दिया तो रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी, सोची मेरे पति नहीं मेरे जीने से क्या फायदा। आपने कन्या को दुखी देकर के साधु बनिया ने भगवान से प्रार्थना की, आकाशवाणी होती है कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद का परित्याग करके आई है इसलिए इसका पति आदर्श है, ये घर जाएगी और प्रसाद खा करके लौटेगी तो पति इसे प्राप्त हो। घर जाती है प्रसाद खा करके लौटी, उसका पति उसे प्राप्त हो गया। साधु बनिया हर मकर संक्रांति और पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का पूजन करके सब सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ हो गया। बोले स्कंद पुराणे श्री सत्यनारायण कथाया चतुर्थोध्याय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों आपको पांचवें अध्याय की कथा कहता हूँ। पांचवें अध्याय की कथा में है कि एक तुंगध्वज नाम के राजा हैं, वह राजा से दो गलती एक दिन हुई। एक तो शिकार खेलने के लिए जंगल गए तो भक्त का अपमान किया और दूसरा भगवान नारायण सत्यदेव के प्रसाद का अपमान किया। ग्वाल बाल जात के लोग भगवान का पूजन किया, राजा को प्रसाद दिया तो राजा लिया नहीं और न वहां गया पूजा स्थल। भगवान सोचते हैं कि राजा तो मैं इसको बनाया हूं और इसके अंदर कैसे अभिमान हो। लेकिन जब उसने नहीं लिया तो ग्वाल बाल जात के जो लोग हैं वह भगवान का पूजन करके और प्रसाद खा करके अपने गांव में चले गए और राजा ने अपने घोड़े में सवार होकर के अपनी नगरी की ओर चले। जब नगरी के पास पहुंचे तो सब उनके जो भवन थे राज था जल करके राख हो गया। राजा समझ गए मेरे से कोई घोर अपराध हुआ। राजा उसी जगह में आते हैं, ग्वाल बाल जात के लोगों के साथ मिलकर के भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मेरे से जो गलती उसे क्षमा करें। इतना ही राजा के प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न होकर के राजा की जैसे राज संपदा थी उसी तरह प्राप्त हो गई राजा को और राजा ने भगवान सत्यदेव का पूजन करके और अपने प्रजा का अच्छी तरह से पालन करने। जो व्यक्ति भगवान की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन करेगा अर्चन करेगा
उसका भगवान सत्यदेव कोई किसी कोई विष्णु कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई दुर्गा कहता है, कोई कृष्ण राम हनुमान शंकर, उन्हीं के सहस्त्र नाम है। भगवान ऐसे दीन दयाल है। गत जन्मों की कथा है कि जो निर्धन ब्राह्मण थे वो दूसरे जन्म में सुदामा हुए। सुदामा जी किसके मित्र है? कृष्ण। भगवान कृष्ण ने उनके लिए अलग ही सुदामापुरी बना दिया, लेकिन जो लकड़हारा थे दूसरे जन्म में केवट थे निषाद राज। आज निषाद राज मन में सोचता है भगवान राम आज निषाद राज को कहते हैं कि केवट भैया आज गंगा पार करा दे, लेकिन निषाद राज कहता है कि प्रभु मैं आपका बहुत बखान सुना। चरणामृत लेता है, पैर धोता है, चरणामृत लेकर के भगवान को नौका में बैठा करके और प्रार्थना करते हुए और ले जा रहा है। माँ गंगा से कहता है कि माँ हिलोरा मत मार, मेरे राम जी उतरेंगे पारे गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राम जी उतरेंगे पारे गंगा मैया धीरे बहो। केवट कहता कि मैंने ऐसा पूर्वजन्म में कौन सा काम किया जो साक्षात नारायण मेरे नौका में पार उतारा। और गंगा जी से प्रार्थना भी करते हैं कि माँ हिलोरा मत मारना, ये जो तीनों बैठे हैं मेरे नौका में ये बहुत कोमल है, पार किया, पार करने के बाद में आज जो इस चराचर इस ब्रह्म इस चराचर में सबको चलाता है विद्यमान है उसके पास देने के लिए केवट के लिए कुछ नहीं, तो किसके तरफ देखा? माँ की तरफ। माँ संशय ने की मुद्रिका निकाली और ठीक दे दी, इसलिए पत्नी को ला करके धन देना चाहिए। इसीलिए बिचारी मान लीजिए आपत्ति काल में आपका साथ दे, सीता मां ने प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब मुद्रिका भगवान राम केवट को देने लगे तो केवट पैर पकड़ लिए, बोला प्रभु एक स्टाफ दूसरे स्टाफ से कुछ नहीं लेता, आज आप मेरे घाट में आए हो मैं आपको पार कर दिया, कल जब मैं आपके घाट में आऊंगा पार। लेकिन बड़ा चालाक था, बोला अकेला नहीं सारा परिवार, भगवान ने कहा तथा तुम्हारी जैसी इच्छा वैसी। ऐसे भगवान दीन दयाल है। लेकिन जो राजा ने पुत्र कामना से व्रत को किया था वह दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए जिनके स्वयं राम ब्रह्म। देखिए साधु बनिया को तो प्रत्यक्ष मिल गया उसी समय, लेकिन उनको दशरथ होने की बात नहीं, नहीं और साधु बनिया की भगवान ने पोस्टिंग की जो तो भी उनकी पोस्टिंग है, मोरत ध्वज राजा बनाया, ऐसा राजा बनाया कि एक पुत्र उनको था उसका बलिदान भगवान ने लिया और उसको पास कर दिया। और जो लास्ट के राजा है यही राजा मनु, ब्रह्मा ने एक ही पुरुष और एक ही स्त्री को प्रकट किया। इस तरह से जो परमात्मा जो भगवान सत्यनारायण की बड़े प्रेम से पूजन करेगा सत्यदेव उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बोले स्कंद पुराण श्री सत्यनारायण कथा पंचम अध्याय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। राम नाम बोलो हरि का नाम बोलो, 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 राम नाम बोलो हरि का नाम बोलो। एक बजे ओंकार दो बजे द्वारिका नाम, एक बजे ओंकार दो बजे द्वारिका नाम, तीन बजे त्रिलोकी त्रिलोकी नाम बोलो, तीन बजे त्रिलोकी त्रिलोकी नाम बोलो, राम नाम बोलो हरि का नाम बोलो, राम नाम बोलो हरि का नाम बोलो। चार बजे चारो धाम पाँच बजे परमेश्वर, चार बजे चारो धाम पाँच बजे परमेश्वर, छह बजे सबीले सबीले नाम बोलो, छह बजे सबीले सबीले नाम बोलो, राम नाम बोलो हरि का नाम बोलो, राम नाम बोलो हरि का नाम बोलो। आठ बजे सावरिया नाम आठ बजे अवध बिहारी, आठ बजे सावरिया नाम आठ बजे अवध बिहारी,
सात बजे सावरिया राम, आठ बजे अवध बिहारी, नौ बजे नारायण नारायण नाम बोलो, राम नाम बोलो हरि का नाम बोलो, राम नाम बोलो हरि का नाम बोलो, दस बजे दामोदर नाम, ग्यारह बजे गिरधारी, दस बजे दामोदर नाम, ग्यारह बजे गिरधारी, बनवारी नाम बोलो, राम नाम बोलो हरि का नाम बोलो, राम नाम बोलो हरि का नाम बोलो, नारायण भगवान की जय, भगवान की जय, हनुमान जी महाराज आज की जय।